ग्रैनी, आपकी किटी पार्टी कैसी रही? मस्त बिटवा, बोले तो एकदम जकास। वैसे ग्रैनी, आप बुढ़िया, मतलब गर्ल्स लोग ऐसी किटी पार्टी में क्या गप्पे मारती हो? पूरा टाइम कचर पचर करती रहती हो। सबसे ज्यादा तो मिस्टी की आवाजें आ रही थी। मैंने भाग कर आकर देखा, मुझे लगा आप लोग लड़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग तो ठहाके मारकर हंस रहे थे। वैसे आपका ऐसा कौन सा टॉपिक होता है ग्रैनी जो खत्म ही नहीं होता? बिटवा, ये गर्ल्स टॉक है, तेरी समझ में नहीं आएगी। आपकी फ्रेंड्स को आइसक्रीम कैसी लगी? बिटवा, आइसक्रीम तो उन्होंने छेड़ी तक नहीं, सब गुलाब जामुन पर ही जोर मार रही थी। चलो कोई बात नहीं, ग्रैनी और ग्रैंडपा के सोते ही सारी आइसक्रीम मैं चट कर लूंगा। इतनी देर हो गई, ये बुढ़ऊ पता नहीं कहां मर गया। चल कोई बात नहीं बिटवा, हम लोग टाइम पर सो जाते हैं। अरे कैसी आवाज आ रही है? वाह मजा आ गया, अरे लगता है कोई आ रहा है। ग्रैनी आपको खांसी कैसे लगी? फुल एसी चलाकर सोई थी, लगता है उसी की वजह से हो गया है। तू जाकर सो जा, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं हुआ। अरे इतनी जोर जोर के खांस रहे हो कि पड़ोसियों की लाइटें तक ऑन हो गई हैं। पूछ रहे हैं अरे क्या हो गया। अरे तू फालतू में टेंशन ले रहा है, छोटी मोटी खांसी है, ठीक हो जाएगी। Oh no! एक ग्रैनी के मुंह से तो खून आ रहा है। मैंने पढ़ा था जब मुंह से खून आता है तब। अगर मैंने ग्रैनी को बताया कि ग्रैनी के मुंह से खून निकल रहा है तो ग्रैनी बहुत घबरा जाएगी। ग्रैनी आपकी खांसी तो बढ़ती ही जा रही है, चलो डॉक्टर सुश्री के पास आपको दिखाने चलते हैं। अरे उसकी फीस तो बहुत ज्यादा है, छोटी मोटी खांसी है, काढ़ा पी के ठीक हो जाएगी। ग्रैनी फीस ज्यादा हुई तो क्या हुआ, आपकी सेहत सबसे पहले, आप काढ़ा भी पी लेना, फिलहाल आप डॉक्टर के पास चलो, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मजा आ गया झरझरी फुरफुरी का प्रोग्राम देखकर, ये दोनों सो गए हैं, मैं भी चुपके से जाकर सो जाता हूँ। अरे ये कौन खांस रहा है? जाना तुम ठीक तो हो ना, इतनी जोर जोर के खांस रही थी कि आवाज बाहर तक आ रही थी। है ना ग्रैंडपा, आपको भी ग्रैनी की खांसने की आवाज बाहर तक सुनाई थी ना? हाँ बिटवा, इतनी जोर की आवाज थी, ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। क्या तुम भी? मैं काढ़ा बना लेती हूँ। चलो हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो डॉक्टर के पास। हाँ चलो। ग्रैनी को कुछ नहीं होना चाहिए। बाबू थोड़ा कम खाया करो, जब देखो गंध फैलाते रहते हो। अरे स्वीटी यह तो तुम्हारे बनाए टेस्टी टेस्टी खाने का कमाल है। डॉक्टर आ गए। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? मैंने टेस्ट कर दिए हैं, अब रिपोर्ट्स आने पे पता चलेगा इन्हें क्या हुआ है। रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? कल आपके ईमेल पे आ जाएगी। इतनी क्यूट है ये, हाय ब्यूटीफुल, व्हाट्स योर नेम, बुलेट राजा दिस साइड। चुप रहो, जब देखो शुरू हो जावे। चल बिटवा घर चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। थैंक यू, सी यू। चलो ग्रैनी। बाय डॉक्टर निजी। डॉक्टर सुरसुरी ने कहा था वो मुझे रिपोर्ट्स भेज देंगी, पता नहीं अब तक रिपोर्ट्स क्यों नहीं आई। बिटवा तूने फालतू में खर्चा करवा दिया डॉक्टर के पास ले जाकर। क्या ग्रैनी आप भी, हमने टेस्ट इसलिए करवाए हैं ताकि आप जल्दी ठीक हो जाओ, आप भी ना। बिटवा रिपोर्ट्स आ गई क्या? नहीं नहीं ग्रैनी अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई। आप एक काम करो, आप कमरे में जाके रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। ओके बिटवा। ग्रैनी को बहुत गंभीर बीमारी हो गई है और उनके पास सिर्फ
15 दिन बचे हैं। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगर भाई। लेकिन गुड लग नहीं रहे हैं भैया जी। दैट्स करेक्ट मगर भाई, ग्रैनी के मुंह से खून निकल रहा था। मैंने ग्रैनी का टेस्ट करवाया तो टेस्ट रिपोर्ट में पता चला है कि ग्रैनी अब सिर्फ 15 दिन की मेहमान है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? ग्रैनी मरने वाली है मगरू भाई। कह दीजिए ये सब झूठ है। काश मैं सब बोल सकता मगरू भाई, लेकिन रिपोर्ट्स तो कुछ और ही बोल रही है। अपना और काकी जी का ख्याल रखिएगा भैया जी। ओके सी यू। ओके टेक केयर बाय। ग्रैनी मैंने आपका फेवरेट चमगादड़, क्रिस्पी कॉकरोच, बेक टिड्डे बनाए हैं। वाह क्या बात है बिटवा, मजा आ जाएगा। तूने सारी मेरी फेवरेट चीजें बनाई हैं। चलो खाना शुरू करते हैं। वाह। वैसे तो ग्रैनी को डॉक्टर ने ये सब खाने के लिए मना किया है, लेकिन ग्रैनी के पास देने कितने बचे हैं। ओह नो। जा ग्रैनी जा, जी ले अपनी जिंदगी। मजा आ गया बॉस। थैंक यू। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहा है, मुझे भी तो बता। नहीं नहीं ग्रैंडपा कुछ नहीं। मुझे तेरी ग्रैनी की कसम। ओह नो। दे दी ना ग्रैनी की कसम। ग्रैंडपा वैसे तो मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहता था, ये सोच के कि आप ग्रैनी की बात सुनकर परेशान हो जाओगे, लेकिन अब मुझे आपको ये बात बतानी पड़ेगी। अरे ऐसा भी क्या हो गया, जल्दी बता, मुझे टेंशन हो रही है। ग्रैनी को बहुत गंभीर बीमारी निकली है। ग्रैनी अब सिर्फ 15 दिन की बीमार है। अरे ये तू क्या बोल रहा है बिटवा? अरे मैं वही बोल रहा हूँ जो रिपोर्ट्स में लिखा है। दूसरी शादी करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मेरी ग्रैनी की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ ये सच है, तेरी ग्रैनी की जगह कोई नहीं ले सकता। बिटवा तेरी ग्रैनी के पास जितने भी बचे हुए दिन हैं, हमें उन दिनों को उसके लिए यादगार बनाना है और उसे बहुत खुश रखना है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उसे तकलीफ हो, ठीक है ना बिटवा? हाँ ग्रैंडपा, अब जितने भी ग्रैनी के बचे हुए दिन है उसमें आपको अपनी हरकतों पर काबू करना होगा। हाँ हाँ आज चल बेबी की सेवा में लग जाते हैं। जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। ग्रैनी मैंने बर्तन धो दिए हैं। अरे वाह आज चमत्कार कैसे हो गया, बर्तन तो धुल गए, जल्दी से कपड़े धो देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है स्वीटी, मैंने कपड़े धो दिए हैं। ओ माय गॉड थैंक यू जानू। जल्दी से खाना बना देती हूँ। ग्रैनी मैंने खाना बना दिया है। चिपकलियाँ खाने का बहुत मन कर रहा है। ग्रैनी मैंने आपके लिए बहुत सारी चिपकलियाँ पकड़ी हैं और कॉकरोच भी। ओ वाओ। What's up, रॉडू बेटा? All good, काका जी। और बताइए आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? जल्दी से अपनी काकी की सारी फेवरेट आइसक्रीम्स दे दें। क्या बात है बाबू, सारी मेरी फेवरेट आइसक्रीम्स। जो हुकुम काका जी। बेचारे अनुपमा को कितना सतावे हैं करम जले। क्या ग्रैनी पूरे दिन से आप अपना सीरियल देख रहे हो, मुझे मूवी तो देखने दो। बेटवा जाना मैं थोड़ी देर फैशन टीवी देख लूंगा प्लीज। वैसे भी जाना कुछ ही दिन की मेहमान है, इसका जो करने का दिल करे हमें इसे वो करने देना चाहिए। क्या बात है लॉन्डो, आज तो तुम मेरे साथ अनुपमा देख रहे हो। हाँ क्योंकि ग्रैनी आपके हमारे साथ कुछ ही पल रह गए हैं।
पता नहीं क्या बात है, बिट और स्वीटहार्ट मुझे कोई काम नहीं करने दे रहे हैं, मुझे इतना पैंपर कर रहे हैं और बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे। टच वुड नजर न लगे। Oh no! Granny! बिटवा संभाल अपने आप को, अब हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और कैसी हो स्लेंडर ना दिदे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे चुटुआ? दीदी! अरे क्या बात है, आज तो बड़ा शैड शैड लग रहा है। हमने ग्रैनी का टेस्ट करवाया था, ग्रैनी बस कुछ ही दिन की मेहमान है। What? ये तू क्या बोल रहा है चुटुआ? चल कोई बात नहीं, लोगों का आना जाना तो लगा रहे हुए है। बिटुआ आऊंगी एक दो दिन बाद तुम्हारे घर में। Oh, how sweet. अब ग्रैनी के हाल चाल पूछने आना चाहती हो? अरे ना ना, बुढ़िया के टपकने से पहले मैं अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आना चाहती हूँ। बुढ़ाऊ ने दूसरी शादी कर ली तो प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठूंगी, है कि नहीं? चलो सिलेंडर दीदी जल्दी मिलते हैं, ओके टेक केयर, बाय बाय। सिलेंडर दीदी भी ना कभी लालच से बाज नहीं आएगी। बिटवा बेबी जरा इधर तो आना। कुछ चाहिए था क्या तुम्हें जाना? तुम दोनों मुझसे कितना प्यार कर रहे हो। 15 दिन बाद मैं तुम दोनों को लेकर मालदीव्स छुट्टियों में जाऊंगी। अरे वाह। ओह नो। अरे अचानक से क्या हो गया बाबू? रुको मैं जाकर देखता हूँ। बिटवा संभाल अपने आप को। हेलो डॉक्टर सुरसुरी, आपने कहा था ना कि ग्रैनी के पास सिर्फ 15 दिन बचे और वो कुछ दिन की मेहमान है, उनका ख्याल रखना। नो। हमने उनका पूरा ख्याल रखा लेकिन अभी भी उनके मुंह से खून आ रहा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उनके पास कितना समय बचा है? मैं तुम्हें रिपोर्ट्स चेक करके बताती हूँ। ओके डॉक्टर, मैं आपके कॉल का वेट करता हूँ, थैंक यू। बिटवा ये तो क्या बोल रहा था? ग्रैनी आपने मेरी बातें सुन ली? बिटवा मुझे क्या हुआ? आप बोल रही थी ना आपको सिर्फ खांसी है लेकिन टेस्ट में पता चला कि आपको एक गंभीर बीमारी है और आप सिर्फ 15 दिन के मेहमान हो और आप 15 दिन में से सिर्फ आज का दिन बचा है। बिटवा कहते ये बात झूठ है, तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ग्रैनी अगर मैं ये बात आपको पहले बता देता तो आप घुट घुट कर पहले ही मर जाती। बिटवा ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है? लगता है अब मुझे कुछ हो रहा है। बिटवा ग्रैनी, हेलो डॉक्टर सुरसुरी, हाँ हाँ क्या? Oh no! Okay. बिटवा क्या बोला डॉक्टर ने? ग्रैनी, ग्रैंडपा, ग्रैनी बिल्कुल ठीक है, ग्रैनी को कुछ नहीं हुआ है। ओ तो बिटवा मेरी छाती में दर्द क्यों हो रहा है? Oh no! अरे ज्यादा ठूसने की वजह से आपको गैस हो गई है ग्रैनी। अब थोड़ा हल्का फील हो रहा है। शुक्र है जाना तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिटवा ये कंफ्यूजन हुई कैसे थी? क्योंकि ग्रैनी आपकी रिपोर्ट चेंज हो गई थी, आपसे पहले वाली जो पेशेंट थी ना उसका नाम भी सेम था। करम जल्दी सुरसुरी, उसके चक्कर में हमारी वाट लग गई थी। चलो शुक्र है सब ठीक है। ये कौन टपक पड़ा? लगता है रॉड है, चलो। अरे एविलन नांटी, रॉड आप यहाँ? हाँ काम से आई हूँ, सोचा दी के हाल चल भी पूछते चलूँ। काकी जी आप तो बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रही हैं, उम्मीद है सब ठीक होगा। जाना बिल्कुल ठीक है, उसकी रिपोर्ट किसी से चेंज हो गई थी, पर तुम इतना खास क्यों रही थी जाना? किटी पार्टी में बहुत सारी आइसक्रीम बची थी, आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं एक साथ सारी खा गई। क्या जाना तुम भी, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अगर आप लोगों की पहेली सुलझ गई हो तो जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे और जगह भी पेमेंट लेने जाना है। हां मैं भी अपने पैसे लेने आया हूं, जल्दी से मेरा हिसाब कर दीजिए। Oh, no. पैसे
कौन से पैसे? इतने दिनों से ये लोग मेरे ढाबे से खाना जो मंगा रहे थे और मेरी फैक्ट्री से भी आइसक्रीम्स मंगा रहे थे। ग्रैनी, हमको लगा कि आप कुछ ही दिन की मेहमान हो और आप कुछ ही दिन में यही सोच के तुम्हें जो जो पसंद है तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे थे बेबी। तुम दोनों भी ना, तुमने मेरा सारा बजट बिगाड़ के रख दिया। टेस्ट कराने का लंबा चौड़ा बिल अलग से। तो ग्रैनी मैं क्या करता, आपके मुंह से खून निकल रहा था तो मुझे लगा आपको कोई गंभीर बीमारी है। जाना, अभी भी तुम्हारे मुंह से खून बह रहा है, लगता है अभी तक तुम ठीक नहीं हुई हो। मेरे मुंह से कोई खून नहीं आ रहा, ये तो गोली की वजह से है। गोली? हाँ, ये गोली मिस्टी मेरे लिए यंग फॉरएवर रहने के लिए लाई थी, जिसे दिन में दो बार खाना होता है। गोली लाल रंग की है, उसका जूस मुंह से बाहर आ जाता है, तो तुम लोगों को लगा होगा कि मेरे मुंह से खून आ रहा है। तुम दोनों येड़े हो येड़े। क्या? वैसे तुम दोनों का कितने का बिल बना है? मेरे 15,000 हो गए हैं और मेरे 8,000। क्या इतना खर्चा तुम दोनों की? तो बचाओ। अरे बाप रे। कोई बात नहीं बिटवा, मैंने तुझे माफ किया। जा बिटवा जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ ग्रैनी। हाय गाइस, आई होप आपको ग्रैनी की कंफ्यूजन ने खूब हंसाया हो। तो फटाफट से मोहक मीत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।